बरेली में मेयर की सीट अनारक्षित होने के बाद से एक बार फिर वर्तमान मेयर उमेश गौतम के खेमे में उत्साह की लहर है। सीट अनारक्षित होने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए मेयर उमेश गौतम ने कहा कि बरेली बीते 5 साल में काफी हद तक बदल चुका है, अगर आगे भाजपा ने मौका दिया तो बरेली को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे, स्मार्ट बनाकर ही दम लेंगे। सुनिए, 5 साल का कार्य, 5 साल पहले बरेली की देवतुल्य जनता ने मुझे महापौर की कुर्सी पर बिठाया था। उसके बाद बहुत बड़े चैलेंज थे कि बरेली को शहर की तरह तो दिखाया जाए, तो उसी सोच के साथ हमने काम शुरू किया था। डॉक्टर गौतम ने बताया कि शहर में उनके कार्यकाल में सड़कों का जाल बिछाया गया है, साथ ही साथ गलियों को रोशन भी किया गया है। सड़कों और लाइटों के आंकड़े तो उन्होंने उंगलियों पर गिना दिए। और आप देख रहे होंगे 5 सालों में बरेली में जिस तरह चौड़ी सड़कें मेन रोड पे भी हुई हैं, या DDPuram की बात करें वहाँ स्टेडियम रोड, हमारी सारी रोडें जो पहले गलियों की तरह नज़र आती थी अब वो 4 लेन रोडों की तरह अब लगता है कि महानगर में हम चल रहे हैं। लाइट की बात करें तो जब मैंने पदभार संभाला था पूरे नगर निगम क्षेत्र में मात्र 30,000 लाइटें थीं, और इन 5 सालों में हमने 40,000 लाइटें लगाई हैं। अब बरेली में 70,000 लाइटें हैं, कहीं कोई अंधेरा नहीं है। शहर की सफाई को लेकर भी मेयर उमेश गौतम ने दम भरा, पार्कों के नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण का भी जिक्र किया। वहीं उन्होंने कई ऐसे भी काम गिनवाए जिनका आज CM योगी लोकार्पण करेंगे। बच्चों की बात करें तो बच्चे सोचते थे कि हमारे लिए भी क्या कोई अच्छा पार्क हो सकता है, क्या कोई हमारे लिए भी ऐसी जगह हो सकती है जहां हम घूमने चले जाएं। तो उनको भी ध्यान में रखते हुए अक्षर विहार, अगर उसके तालाब की बात करेंगे तो जब लोग घूमने जाते थे तो नाक पर रुमाल रख लेते थे क्योंकि भैंसों का तबेला था, उसको भी हमने एक शानदार तालाब बनाकर वहाँ पर एक ज़बरदस्त पार्क भी बना दिया है। आज वहाँ पर लेज़र फाउंटेन भी लग गया है जिसका कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा लोकार्पण होगा। शहर की सुरक्षा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर जबरदस्त होने के बावजूद भी व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए 1,000 कैमरे लगवाए गए हैं और इंटीग्रेट कंट्रोल कमांड सेंटर भी खुला है और 24 घंटे पूरा शहर कैमरे की निगरानी में रहता है। माताएं बहनें पहले जब निकलती थी घर से तो डर लगता था कि चैन पहन के जाएं ना जाएं, कुंडल पहन के जाएं ना जाएं। आपने भी देखा होगा अखबारों की खबर यही होती थी कि साहब किसी माताजी की चैन खींच ली गई, तो चैन भी गई और गर्दन में चोट लगी अलग, कान के कुंडल खींच लिए गए। अब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर इतना ज़बरदस्त है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि इस तरह की कोई हरकत कर सके। लेकिन फिर भी हमने व्यापारियों को भी ध्यान में रखते हुए 1,000 कैमरों से युक्त इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर लगाया है। किसी की हिम्मत नहीं कि कोई हमारी माता बहन या किसी व्यापारी के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ कोई हरकत कर सकता हो। 24 घंटे पूरा शहर नज़रों में है। भारतवर्ष में मात्र 75 शहर ऐसे हैं जहां ये इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर लगा है और उनमें से बरेली एक है। फिलहाल सीट अनारक्षित होने के बाद से मेयर के चेहरे पर सुखन की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। ये चुनाव के बाद तक बरकरार रहेंगी या नहीं ये देखना अहम होगा। बरेली से डेली इंसाइडर के लिए सुधाकर शुक्ला की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।